हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में। कपड़े गंदे दिख रहे होंगे आपको, एक्चुअली काम करके फिर मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ बाथरूम में अपन पानी की फिटिंग कर रहे हैं। ये मशीन है, आज मैंने कटिंग करी है, इसने राहुल ने करी है जेरी की तुड़ाई। ये रह गई बस बाथरूम में, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी और यहाँ से आते हुए यहाँ पे बेसिन आएगा। हाथ धोने को यहाँ से पाइप नीचे डाउन ला के रख जाएगी रसोई में। ये किचन का डिज़ाइन है, यहाँ साइड चिमनी आएगी, पाइप छोड़ रखा पहले ही, और इधर आएगा यहाँ गीजर वगैरह, तो इसलिए यहाँ पर डबल कटिंग कर दी है। यहाँ पर आर ओ की कटिंग कर दी है, ठीक है। ये स्लेब के लिए कच्ची ईंटें पर रखी हैं, मिट्टी है दोनों तरफ ऊपर नीचे, ताकि आसानी से निकल जाएंगे। तो ये होता है पहले मैप बनाने का फ़ायदा। यहाँ पर मैंने देखा, ये देखो पानी मारती निकल जाएंगे। देखो मिट्टी पर रखी है, बालू मिट्टी। ओके, तो ये फ़ायदा रहता है पहले से प्लानिंग करके चलने का। और इसी घर में देखी मैंने लकड़ी की चौखट, नहीं तो उससे भी ज़्यादातर लोहे की देखी है मैंने। वो दरवाजे लगा रखे हैं कैसे, होटल वाले, रूम नंबर 1035, लेटरिन बाथरूम दोनों में सेम। तो ये है दो कमरे, किचन, वरंडा, हॉल कर दे। ये मुझे ना होगा पूरा, ये एक बैठक टाइप में है। ये तो सुती स्टोरेज के लिए ये फिटिंग कर रखी है, पता नहीं किसने। और यहाँ पे अपन ने कर दी है, ये देखिए जेरी कंप्लीट हो गई साइड की। तो ये छोड़ रखी जगह ऊपर के लिए, ठीक है। सारे कपड़े गंदे हो गए, खेतों में पहाड़े पर में। लो भाई ये तो गेहूँ है, ये है जो, ये देखो जो, इस तरीके से जो हैं बिल्कुल पतले पतले गेहूँ में, मोटे मोटे हैं दाने, ये देखो। और बहका रहे हैं ये भी गेहूँ हैं। हम आ गए वहाँ से घूमते हुए, क्योंकि सामान नहीं आया अभी, सामान का वेट कर रहे हैं। पानी चल रहा है ट्यूबवेल पे, वहाँ से लेंगे, पैदल के आएंगे। देखो कपड़े साफ करके, वो यहाँ चल रहा पानी पूरा कर ले रहे हो। अरे धो ले, पानी आ रहे हो। अरे देख रहा क्यों होगा, क्यों होगा मारे, क्यों हो रखे जा पार टूटने की बात कर यार। चलो भाई, चलो चलो चलो, ऐसे भरते हैं यहाँ पर पानी। ये अंडर पास दबा वाला रखी है लाइन, पता नहीं कहाँ से पूरा भर रहे हैं पानी। पहले ये नाला था हमारे खेत में हुआ करता ऐसा नाला, ये दोनों साइड दीवार है, बीच में पानी आता था नहर से, नहर की साइड से। अच्छा पाया था तो नहर वहाँ पर, वो बड़ा वाला टावर दिख रहा, दो किला पर। हाँ पहले इसमें आया करता है, कई साल पाया बंद हो गया इसने, 5-10 साल, 10 साल कम से कम बंद हो गए इसको। तुड़वा को पाया नहीं है ना, कि गलती नाला बड़े बोल लो पा राय, तो टंकी बना लियो पक्का, गाड़ी का। अच्छा अच्छा कितनी दूर का है? अच्छा 1 किलो दूर। अच्छा अच्छा, ले भाई ये मेन आ गया इस कोरडे का, कैसे मेन रास्ता यो है ले रहा, वहां जाएंगे, पानी चल रहा। ये मारा घरों किला है तो ये थारा क्यों, यो थारा बड़े क्यों हो रहे हैं, बाल बड़े आ रहे हैं, हाइट भी सही है, खड़े भी सही हैं। हेलो भैया, है इंजन हमारे घर पे हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, ऐसी हुआ करती पूरी, ऊपर से बेल्ट चला करती, कम से कम इतनी लंबी थी यहाँ से यहाँ तक, ये भी छोटी है। ये बोरिंग करके पानी ले रहे हैं अपन, मीठा पानी है, हैं इंजन है ये। अभी दिखाता हूँ आपको नाला जहाँ से पानी आता है, सूखा पड़े है, मतलब पानी तो आता होगा इसमें। हाँ पानी चालू है ये। भाई यो है नाला, यो चालू यो चालू जो नहर से पानी आता है इसमें, इतना ढूंगा गहरा, ढूंगा मतलब गहरा, तो इससे पानी देते हैं। अभी इंजन लगा रखे किसी किसी ने खुद के, जो भी नाला है ये नाला, मतलब नाला कच्चा नाला है, वो मेन में वो नहीं है, ब्रांच पड़ी हुई है, खेत ही खेत इधर तक जाता है लंबा,
अभी शायद इसका नंबर नहीं आया होगा इसलिए, क्योंकि नहर तो आई हुई है, 2-3 दिन पहले ही आई है नहर। ठीक है सलाम भाई, चलिए चलते हैं अभी। तो क्या वहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या किस चीज़ का है ये प्लांट, देख के बताना आप किस चीज़ का प्लांट है, मेरे को समझ नहीं आया। सिंगरी है या क्या कुछ और है ये यहाँ पर लगे हुए ना मेरा भाई, मेरे को नहीं पता, आप बताना देख के किस चीज़ का प्लांट है ये। मेथी है, मेथी हो, हमने भी कई साल पहले इससे पानी दिया था, जब हमारे दादाजी थे ना तो उस टाइम पे इंजन चला के जब पानी दिया करते थे हम, लगभग जहाँ तक अनुभव बता रहा हूँ मैं, हम छोटे छोटे थे होंगे शायद 5-6-7-8 साल के होंगे बस, उसके बाद फिर मोटर चलने लगी थी हमारे यहाँ, तो यहाँ पर भी इंजन चल रहे हैं। ये सूंडिया है, सूंड बोलते हैं इसको, ये देखो तेल वाली टंकी है, ये फूटी हुई फिलहाल, इसमें डाल रखा है, इसी से तेल लेते हैं, ये धुआं निकल रहा है। दो बज गए हैं, अब करेंगे लंच, संजय करेगा नहीं, मना कर दिया, दही रोटी एंड चटनी, खुशबू गजब आ रही है। दिक्कत जरिया है कि वाला जरी हमारी कंप्लीट है, तो सड़क है, पाइप गिरते हैं टीम ना लग गया रहा। एकदम फद्दू डेढ़ घंटा हो यार, बावड़ो के पौने दो बजे गए, फिर ये देख टाइम देख 3:20 हो गया, लो भैया कंप्लीट कर दिया रहा सोई में गिज्जर और साइड में वो आरओ के लिए उधर, और इधर और दिखा देता हूँ मैं बाथरूम में, ये कनेक्ट होगा पाइप नीचे से वहाँ पर उधर, ये इधर वॉशिंग मशीन दिखा देता मैंने, कनेक्शन कर दिए हैं, गर्म पानी इधर और ठंडा पानी इधर, दोनों का गैप रखा 6 इंच ताकि मिक्सिंग वाला लगे तो दिक्कत ना आए, ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किया। यहाँ पर गिज्जर अलग से आएगा, रसोई और बाथरूम का गिज्जर हमेशा अलग रखवाना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होती है, गर्म पानी वेस्टेज हो जाएगा इस वजह से। ओके आज समझ में आया मेरे को, लाइटिंग में दिखाता हूँ भाई क्या रहा इधर, ये देखो वहाँ से डायरेक्ट उठा के और इधर निकाला, ये ठंडा पानी घुमा दिया, ये खड़ी सीट आएगी, यहाँ बैठी आएगी, यहाँ पर बैठेगा, यहाँ छुट्टी लगेगी क्योंकि दरवाज़ा तो ज़्यादा आ रहा था, इसलिए वहाँ देने पड़ी पीछे, और यहाँ पर आगे रहेगा यार, ये बाद में होगा, इसमें ऊपर बाद में होगा। ओके डन अंकल जी, हो गया फिर डन डन, बाकी बाद में कल नहीं, इतना सारा सामान आया, पानी का खंडा होंगे हलियो सुखवा था अपन दुकान पे, अब चलते हैं घर, ये लंच बॉक्स साला वापर दी तर गए भगत हैं भगत आ इधर गए सारा नाम लगे लोग, कल इच्छा थी चावल खाने की, आज बना दिया माने बिना खाए मीठे चावल, दाल दिया माँ गर्मा गर्म दाल, खाना पीना हो चुका है, और फाइनली आज पहाड़ी पर गाँव में गए थे फिटिंग करने के लिए, पानी वाले सारे कपड़े गंदे हो गए, ठीक है तो अभी तो पानी गर्म हुआ नहीं था, ड्राई क्लीन की अच्छे से साफ सफाई सारी, तो सुबह नहाएंगे अच्छे से। ओके तो बस इतना ही था,
ज़्यादा तो कुछ नहीं था नहीं, सुबह लोग कल जाएंगे झाड़ ली, पानी का ही काम है और पेमेंट भी रुकी हुई वहाँ पर, पहले गए थे अपन वो वाली रुकी हुई है, तो जाके कल कर कहते हैं क्लियर। तो चलिए लोग कन करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय।